फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी SSR 30-31 अगस्त 2018 का एग्जाम रिव्यू। जनरल नॉलेज के सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा सिलोन। लोकसभा में शून्यकाल का समय कब आता है, तो ये आता है प्रश्नकाल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लीबिया की मुद्रा क्या है, तो ये लीबियाई दिनार। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे, तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। डेनमार्क की मुद्रा क्या है, तो ये डेनिश क्रोन। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स का आयोजन कहाँ होगा, तो देखिए ये होने वाला था जुलाई में, बट अभी नहीं होगा। जो जापान टोक्यो में होने वाला था, अब ये 2021 में होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंच ओपन 2019 का विजेता कौन रहा, तो ये 2019 का विजेता रहा था राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गांधी जी कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो आंसर होगा बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था होम रूल लीग का प्रसार मद्रास में किसने किया था, तो आंसर होगा एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच में है, तो आंसर होगा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। दक्षिण अफ्रीका के मुद्रा क्या है, तो ये रेंड है। अभय घाट समाधि स्थल किसकी है, तो ये मोरारजी देसाई की है। शाहजहाँ कप किस खेल से संबंधित है, तो आंसर होगा क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्या रेडियो एक्टिविटीता का खोज किसने किया था, तो हेनरी बैकरल ने किया था। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान पीएम पूछा गया था, तो अभी करेंट में स्कॉट मॉरिसन है। तो मैंने सभी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को अप टू डेट कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लॉर्ड हार्डिंग पर बॉम्ब फेंकने वाले देशभक्त कौन थे, तो देशभक्त तो प्रमुख चार थे। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता था कि कौन कौन सा दिया गया था। पहले थे शहीद बाल मुकुंद, दूसरे थे अवध बिहारी। तो ऑप्शन में क्या दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं मिलती है, तो ये संगीत के क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं मिलती है। राउफ नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर से है। परमवीर चक्र जीतने वाली पहली सैन्य टुकड़ी, तो ये कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी थी। MRF का फुल फॉर्म क्या है, तो ये मद्रास रबर फैक्ट्री। CRM का फुल फॉर्म क्या है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। IQ का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटेलिजेंस क्यूटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था GPS का फुल फॉर्म क्या है, तो ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, या डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।